तो पिछले ब्लॉग में आपको मज़ा तो बहुत आया होगा मॉनसून ट्रैक में, उतना ही मज़ा हमें भी आया। तो मॉनसून ट्रैक के जितने मज़े हमने लिए ना, तो हर चीज़ के कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। अब हमारे कल से शूज़ नहीं सूख रहे हैं, हमारे शूज़ एकदम ऐसे हो रखे हैं, एकदम गीले हो रखे हैं। तो उसको सुखाने के लिए अब हम यूज़ कर रहे हैं हेयर ड्रायर। हम लगे पड़े हैं पिछले 2-2.5 घंटे से शूज़ सुखाने के अंदर। एक शूज़ सूखा है, अभी आधा हुआ है, फिर दूसरा सुखाना है और फिर जाके कुछ हमें टाइम मिलेगा और हम जाएंगे आज के दूसरे ट्रैक पर। सो इस लास्ट व्लॉग में आपने मुझे देखा था एक मॉनसून ट्रैक करते हुए, विच वॉज लोहागढ़ फोर्ट, जिसकी वजह से उस ट्रैक में इतनी बारिश हुई एंड जिसकी वजह से हमारे सारे कपड़े भीग गए, पूरे जूते भीग गए, जिसको सुखाने में हमारी बैंड बच गई। बट सब कुछ सूख चुका है, वी आर ऑल रेडी नाउ एंड नाउ वी आर गोइंग, मतलब हम निकलने वाले हैं टूवर्ड्स अ सेकेंड ट्रैक ऑफ दिस सीरीज एंड विच इज़ अनदर वेरी फेमस फोर्ट। ऑल्सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन और एनी ट्रैक रिलेटेड क्वेरीज, यू फील फ्री टू कनेक्ट मी ऑन इंस्टा, मैसेज मी एंड आस्क योर क्वेरीज, जो भी है कुछ भी डाउट है आई विल डेफिनेटली टेल यू। और एक्चुअली मुझे मज़ा आता है रिप्लाई करने में, तो दैट इज़ ऑल। तो अभी चलते हैं, वी आर ऑल सेट, बैग्स वगैरह पैक्ड हैं, वी आर लिविंग दिस प्लेस जो हम रात को आए थे एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स अनदर ट्रैक। लेट्स गेट on our way to Sinhagarh Fort. Sinhagarh Fort जो है, that is if you go on this like road, तो Sinhagarh Fort आ जाएगा। But Sinhagarh Fort का ट्रैक भी होता है, तो उसके लिए वी आर गोइंग डाउन हिल, ऊपर जाएंगे गाड़ी से, इट इज मोटरेबल रोड, तो डायरेक्ट Sinhagarh Fort जा सकते हैं। दिस इज अ ब्यूटिफुल राइड एंड लेट मी जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ हाउ ब्यूटिफुल दिस यादरी रेंज इज। All the way from there, we have parked our car over here, and यहाँ पर parking के जो charges होते हैं basically 30 rupees हैं for full day, and now we are trekking, and यहाँ से आगे से trek जाता है towards the top of the fort। यहाँ से कुछ 2-3 minutes के अंदर ही trek का रास्ता शुरू हो जाएगा। If you would have noticed, अगर मेरे पिछले vlog में we are 4 people, मैं, मामा, प्रिया and अनीश, and इस बार मामा is out and we 3 are going. यहाँ से हमारे फोर्ट का जो ट्रैक है वो शुरू होता है, क्योंकि ये पत्थर वाली रोड शुरू हो चुकी है। तो जहाँ से पत्थर वाली रोड शुरू होगी वहाँ से उस फोर्ट का ट्रैक शुरू हो जाएगा। तो इवेंचुअली इट विल टेक अराउंड 1.5 hours टू क्लाइंब टू द फोर्ट। सो वहाँ पे भी एक इंस्टाग्राम के लिए शूट हो रहा है, एज शी इज एन एक्ट्रेस एज वेल एंड दिस इज आवर डीओपी एंड दिस इज आवर एक्ट्रेस। ऑल्सो आई टोल्ड यू गाइज कि फोर्ट के लिए मोटरेबल रोड भी है, तो सब गाड़ियाँ भी जाती हैं, बट गाड़ी से जाना नन फोर्ट देख के वापस आ जाना, दैट्स नॉट आर टेस्ट। सो हाँ, दैट्स फॉर टूरिस्ट डू, बट वी आर ट्रेकर्स, एक्सपीरियंस ट्रेकर्स, तो उसके लिए वी हैव चोजन अ हार्ड वे, जिसके लिए वी आर ट्रेकिंग फॉर 1.5 hours आई गेस, मतलब पूरा रास्ता इज 1.5 hours।
गाइस आई थिंक इट्स रेनिंग, क्या करें, थोड़ी देर ब्रेक ले, काम करते हैं, इधर बैठते हैं। हाँ। बट एक इस ट्रैक की ये भी बहुत अच्छी बात है कि ऐसे फेड यू विल सी आफ्टर एवरी 100 और 200 मीटर्स। तो इफ इट्स रेनिंग हेवीली तो यहां पे आओ, चेयर करो, बैठ जाओ एंड एंजॉय दिस अमेजिंग व्यू इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, व्हाइल यू गाइस रेस्ट आई विल शो देम द व्यू। बट आई थिंक अभी यहां पे पेड़ है तो कुछ दिखेगा नहीं, तो इनके साथ रेस्ट ही करते हैं अब। चलो कैसा लग रहा है भाई सौरभ, हाउ डू यू फाइंड दिस ट्रैक? आई फाइंड इट क्वाइट गुड, मतलब सबसे अच्छी बात है कि एटलीस्ट यस पत्थर वगैरह हैं जिससे ग्रिप मिल जाती है चलने को। करेक्ट, ये देखिए ये स्लिपरी एकदम। और ये मॉनसून तो इवेंचुअली इसको और अच्छा बना देगा। एक्चुअली द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रैक इज कि यहां पे लोग बहुत कम है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट, यू कैन एक्चुअली एंजॉय द ट्रैक ओवर हियर, एंजॉय द नेचर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। We have this entire Sihagad fort to ourselves, three of us. ये हमारी देखो टेरेन है, बहुत रॉकी है, बट आई थिंक इसकी एडेड एडवांटेज ये है कि अच्छी ग्रिप मिल रही है, स्लिप नहीं हो रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लेग वर्कआउट भी हो रहा है। चलो yes. So we have taken a small halt over here and we are having nimbu pani over here. The best drink to have. Raw mango bhi hai apne paas. Thoda mango bhi hai. Abhi leta hu 2 minute. Cheers. आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू गाइज कि हम कितने नीचे से कहाँ तक आए हैं अभी तक। इफ़ यू कैन सी बिहाइंड दिस, उसके आस पास कहीं पर हमारी गाड़ी पार्क है एंड देन वहाँ से चलते 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 कवरिंग ऑल द वे, मतलब पूरा ऐसे पहाड़ पर चलते 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 वी हैव कम ओवर हेयर एंड यहाँ से भी वी आर गोइंग अप हिल। इफ़ यू सी कहाँ जाके है तो मतलब और ऊपर जाना है अभी हमें। तो जो ट्रेल है ना, दिस इज़ एन अमेजिंग ट्रेल, मतलब पूरे ऐसे जंगल के बीच में से चलते 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 वी आर ट्रेकिंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सिंहागढ़ फोर्ट एक्चुअली। तो जैसा कि आई टोल्ड यू गाइस कि यहाँ तक मोटरेबल रोड आती है, सो इफ़ यू सी बिहाइंड ये पूरी गाड़ियाँ जो है, दिस इज़ द कार पार्किंग एंड वहाँ से एक रोड आती है। सो इफ़ यू हैव पार्क्ड योर कार ओवर हेयर तो दिस मस्ट बी द स्टार्टिंग पॉइंट एंड यहाँ से फिर यू कैन स्टार्ट द ट्रैक टूवर्ड्स द फोर्ट। बट वी चोज अ डिफरेंट वे, वी चोज टू ट्रैक इंस्टेड, तो हम आए इस साइड से फ्रॉम दिस साइड रादर देन पार्किंग आवर कार ओवर हेयर। इफ यू पार्क योर कार तो यहाँ से आओ एंड देन गो ऑल द वे अप देयर ऑन दिस स्टेयरकेस।
सो ये कौन सा दरवाजा है? सॉरी, द सेकंड गेट व्हिच इज द पुणे दरवाजा. ओके, दैट वाज द एंट्री गेट फर्स्ट वन. ओके, यहां से माइट इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम देयर. ओके, ठीक है, ये हमारा सेकंड गेट. ऑलराइट, कैन यू इमेजिन इतने कितने हजारों साल पहले लाइक यू नो ये बनते हैं, ये ऐसे ऐसे फोर्ट बनाए जाते हैं. हाउ डिड दे इवन मैनेज टू मेक इट हियर? एक्चुअली आई वाज थिंकिंग द सेम क्वेश्चन यस्टरडे आल्सो, जो पिछला ट्रैक कर रहे थे हम एंड आज भी, कि हम तो अभी सिर्फ बैकपैक लेके आ रहे हैं. जो बोलो लेते हैं अंदर, मतलब कैनन्स के साथ कितने कितने ब्रिक्स क्या क्या लाते होंगे यार. लुक एट द साइज ऑफ दिस, दिस स्टोन्स है, कितने बड़े-बड़े पीसेस हैं. आई एम श्योर उन्होंने किस पे लाया होगा, एलिफेंट्स पे, किस पे, कैरेज कैसी होती होगी. आई मीन इट्स जस्ट इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल यार. व्हाट डू यू थिंक? एंड इंजीनियरिंग मार्वल, वी हैव लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स टुडे, बट इमेजिन व्हाट वाज देयर एट दैट टाइम. जो वो टाइम के आर्किटेक्ट थे, कैसे उन्होंने किया होगा. सो दिस इज लोरियाची पागा एंड साइड से जाता है. आई एम जस्ट कमिंग, एक बार देख के. आगे जाके देन फॉर द कन्वीनियंस वी हैव टॉयलेट ओवर हेयर एज वेल, इधर जाके. बट दिस इज द ट्रिक. सो तानाजी माल सूरत समाधि इज ओवर दिस साइड एंड यहाँ से अगर हम सीधा जाते हैं तो तानाजी कड़ा एंड देन यहाँ से लेफ्ट जाते हैं तो देर इज कल्याण दरवाजा. तो अभी वी आर गोइंग टूवर्ड्स तानाजी माल सूरत समाधि. वेरी विंडी. Since we are at Tanaji Samadhi, I just wanted to tell you guys कि actually ये fort famous क्यों है and why is it so much of importance. तो there was a very famous battle of Sinhagarh, जिसमें तानाजी helped to capture this fort and eventually while fighting the Mughal king he died over here. तो इस वजह से उनकी यहाँ पर समाधि है. एंड वेन शिवाजी गॉट टू नो दैट
दैट तानाजी डाइड सो ही सेड गढ़ आला पान सिन्हा गेला विच मीन्स दैट वी कैप्चर्ड द फोर्ट बट वी लॉस्ट आर लायन तो तानाजी वो दैट स्ट्रॉन्ग एंड इसकी वजह से इट ही हैज़ अ समाधि ओवर हेयर एंड इफ यू रिमेंबर द मूवी तानाजी जिसमें अजय देवगन थे तो अजय देवगन वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ तानाजी एंड जो बैटल थी जो दिखाई गई थी दैट वॉज शोन ऑफ दिस फोर्ट ओनली मतलब जो बैटल दिखाई गई थी कि हाउ दे कैप्चर्ड एंड शिवाजी का जिन्होंने रोल किया था ही ऑल्सो सेड द सेम लाइन दैट आई जस्ट टोल्ड यू इस फोर्ट का नाम तभी सिन्हागढ़ रखा था नहीं तो अर्लियर इट वॉज नोन एज कोंधाना फोर्ट सो सिन्हागढ़ इसलिए रखा बिकॉज सिंह बेसिकली मीन्स लायन एंड दिस फोर्ट वॉज नेम्ड आफ्टर द डेथ ऑफ तानाजी मतलब शिवाजी ने इस फोर्ट का नाम सिन्हागढ़ रखा था आफ्टर तानाजी डाइड बिकॉज फॉर हिम तानाजी वॉज अ लायन सो नाउ वी आर हेडेड टू अ टेम्पल शिवजी का टेम्पल है ऊपर Eventually, बहुत विंडी हो रहा है तो अभी ये कवर कर गई आई थिंक वी शुड ब्रेक डाउन एब्सोल्युटली क्योंकि अंधेरा भी हो जाएगा बिकॉज ऑलमोस्ट 6:30 और 7 बजे तक अंधेरा हो जाता है कुंडेश्वर मंदिर पर आप विंड देखो गाइस बहुत तेज हवा चल रही है सो इट्स बेटर This is the temple. You see, मंदिर के बिल्कुल पीछे भी जस्ट नोटिस ये टॉवर है यानी इतना फॉग है अब यहाँ पे इतनी हवा चल रही है कि वो दिख भी नहीं रहा है सो दिस इज द टेम्पल कोंडेश्वर टेम्पल And now we are going, like we are trekking back towards there. Right now we are trekking down, क्योंकि मतलब अभी बिल्कुल टॉप पे नहीं जा सकते because it's very cloudy and it's very windy. तो उन्होंने जो guards उन्होंने मना कर दिया कि you cannot go up और सबको मना कर रहे हैं मतलब eventually क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है ऊपर. So यहाँ से we are going towards द पार्किंग लॉट क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब अंधेरा होना शुरू हो चुका है काफ़ी ज़्यादा इफ यू सी इट्स ऑल फॉगी एंड ऐसे टाइम पे व्हेन इट्स रेनिंग टू क्योंकि अब वहाँ पे जैसे मैं दिखाया था रास्ता काफ़ी रॉकी था तो मुझे लग रहा है कि बहुत पानी होगा तो इस वजह से वी आर थिंकिंग हमने डिसाइड किया कि वी शुड ट्राई टू गेट जो बताते हैं ना उन्होंने टैक्सी वगैरह चलती है नीचे तक के लिए पार्किंग तक के लिए ट्रैकिंग तक के लिए तो वी आर थिंकिंग की कार लेते हैं और जाते हैं सीट की 12 बंदों का दे टेक 840 बट इवेंचुअली हम सिर्फ 3 हैं तो वो 12 बंदों की पैसे लेंगे बट वो कह रहे हैं कि चलो 800 तक ले जाएंगे एंड दे ड्रॉप अस जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी मतलब हमारी गाड़ी पे ही वो ड्रॉप करेंगे थैंक यू भैया बड़ा अच्छा लगा और यहाँ से हम जा रहे हैं पूना अपने फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं तो आज का व्लॉग आई विल एंड इट हेयर ओनली इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस जैसा कि सबने बताया हम तीनों ने काफ़ी एंजॉय किया सो आई विल एंड द व्लॉग एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू डिड देन डू हिट द लाइक बटन डू कमेंट एंड डू शेयर एज वेल सो दैट मोर पीपल रीच टू दिस वीडियो और वो और देख सके और जगह और ऐसी जगह एक्सप्लोर कर सके So I'll see you guys in the next vlog and as always bye bye and aviam